मैं सच सच्चाई तो यह है कि कथक तो हो गया कहते हैं ना कि कथक हैपन टू मी क्योंकि मैं, मैं जब नाच सीखने लगी तो मुझे मालूम नहीं था कि मैं नृत्य सीख रही हूँ और ये कोई सीखने की चीज है क्योंकि उस उम्र से शुरू किया और वो मम्मी पापा ज्यादा जानते हैं मम्मी खास तौर से जानती हैं जो अब नहीं है अभी सो तो वो शुरू हो गया तो पता लगा कि डांस सीख रहे हैं तो उसमें आनंद आ रहा है मजा आ रहा है बाद में थोड़े और बड़े हुए तो पता लगा अच्छा हम कथक सीख रहे हैं और उसके बहुत बाद में पता लगा कि जयपुर घराना सीख रहे हैं जयपुर में रहते हैं ये तो तय था कि पर पर यहाँ पर दरअसल बाद में फिर जब मैंने एनालाइज किया तो समझ में आया कि जयपुर में आ, कथक के अतिरिक्त उस समय में जब मैं छोटी थी कोई और डांस लोक नृत्य के अलावा नहीं था केवल कथक होता था और जितने लोग कथक आ, मतलब यहाँ डांस करते थे या सीखते थे उन सब का कथक आना बहुत ही सामान्य बात थी और बहुत ऐसी बात थी कि जिसमें अगर आपको नृत्य आता है तो आपको तो ही होगा क्योंकि कथक इतना घुला मिला है यहाँ के राजस्थान की संस्कृति में खासतौर से जयपुर में कि वो कथक तो मतलब एक बड़ी नॉर्मल बात है कि हाँ कथक है तो वो तो आता ही है वो तो अपना ही है ऐसा तो इसलिए कथक कैसे हो गया मैं नहीं कह सकती पर जो हुआ वो कथक था ये मुझे देर में पता लगा ऐसा मैं कह सकती हूँ और परिवार में कोई किसी तरह का हम लोगों का ऐसा माहौल नहीं है पापा तो एडमिनिस्ट्रेशन में रहे और मम्मी घरेलू महिला थी और लोग संगीत बहुत कहना चाहिए शिद्दत से गाना चाहती थी गाती भी थी सीख नहीं पाई क्योंकि पारिवारिक स्थितियों में पर अच्छा गाती थी और उनकी मन की इच्छा मुझे लगता है उन्होंने पूरी की होगी मुझे नृत्य में डालकर और हम हम मैं हम तीन भाई बहन हैं और हम तीनों में कोई ना कोई संगीत का संस्कार है और वो मम्मी की वजह से है और बाकी परिवार से इसका कोई लेना देना नहीं है बहुत ही ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण परिवार से आती हूँ राजस्थान के और ज्योतिषी मेरे दादा ज्योतिषी थे और तो वो सारा पारिवारिक जो संस्कार था उसमें नृत्य तो कहीं आता ही नहीं था शौक के लिए कर लिया बचपन में ठीक है पर उसे आगे लेके चल देंगे और उसमें कुछ आगे करियर बनाने की बात सोच लेंगे ये तो खैर उस समय करियर तो सोचा ही नहीं जाता था कि लड़कियां कुछ बना लेंगी पर उसको लेके मैं आगे निकल जाऊंगी मेरे अपने परिवार के बहुत ही हमारे बिल्कुल सीधे सीधे संबंधियों ने मम्मी और बहुत सुनाया होगा और सुनाया है मुझे मालूम है पर सौभाग्य से वो मेरे तक नहीं पहुंचा क्योंकि वो मम्मी पापा ने अपने तक रखा और वो मेरी जो तुरंत कहते फैमिली कि मेरे ती, दो भाई और मम्मी पापा इन लोगों को इस बात से कोई एतराज नहीं था और वो लोग चाहते थे कि मैं अपने काम में आगे बढ़ती रहूं और उन्होंने पूरा पूरा सहयोग आज तक भी देते हैं सो so, ये आ, सबसे बड़ी बात रही कि चीजें बहुत ज्यादा क्योंकि मैंने विवाह नहीं किया तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता था उस जमाने में तो आज तो इतना नहीं है पर उस समय तो बहुत था और उसमें वो इसलिए नहीं किया कि मेरे को डांस करना है और मुझे नृत्यांगना बनना है और उस समय नृत्यांगना बनने के लिए ऐसा लगता था कि शायद ऐसा करना चाहिए तो और सोचता ही नहीं था कुछ और नृत्य के अलावा तो उस समय का ये निर्णय लेना बहुत अब मुझे लगता है बड़ा क्रांतिकारी कदम मेरी माँ के लिए भी रहा होगा मेरे लिए तो इतना नहीं पर मेरी माँ के लिए बहुत रहा होगा कि उन्होंने बहुत कुछ सहन किया होगा और सुना होगा और उस पर क्या जवाब दिया होगा मुझे आज तक नहीं मालूम पर वो उसे ढाल की तरह रखे रही अपने सामने और मुझ तक नहीं आने दिया